जय जगत। मैं टी एन प्राण आसाम से हूँ। ये सब मेरे सहयोगी हैं। हम लोग ज़्यादातर लोग शांति साधना आश्रम से जुड़े हुए हैं और बेल अलग अलग संगठन आसाम के सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग आसाम से आए हैं क्योंकि बहुत सारा मुद्दा इस आंदोलन से मेल खाते हैं। हम लोग समझते हैं जो कम्युनिकेशन गैप है आसाम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ पूरा भारत का, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में भारत का बाकी लोग जानते नहीं और बहुत सारे गलत अफवाह है, बहुत सारा गलत नज़रिया दिखाते हैं। अभी भी जो बोडोलैंड में हुआ था ये बाहर में कहा गया कि हिंदू भी मुस्लिम का कोई कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट है। मैं कहना चाहता हूँ ये बिल्कुल सरासर झूठ है, ये गलत है। ये कभी भी हिंदू मुस्लिम का बीच में नहीं है। असम का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है जो माइग्रेशन, इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, सभी लोग असम आके बस गए हैं। और जो असम का मूल निवासी हैं उनका जो अस्तित्व है लगता है वो खतरे में पड़ गए हैं। हम लोग चाहते हैं 1971 के 25 मार्च के बाद जो लोग भारत आए वो बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो और कोई भी देश से हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, उन लोगों को डिपोर्ट करना चाहिए और इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो बॉर्डर सील करना चाहिए। उसके बाद अभी असम में और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत सारे बिग डैम बन रहा है। बिग डैम होने से क्या हो रहा है, अभी 164 डैम पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बन रहा है, बिग डैम बन रहा है। और ये जो सुवर्णश्री नदी में एक डैम बन रहा है पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, स्पेशली फ्रॉम आसामीज पीपल लोग उसका विरुद्ध में है क्योंकि एक भी डैम वहाँ टूटेगा तो आसाम पूरा वॉश आउट हो जाएगा। उसके बाद जो टी गार्डन में रहते हैं, टी गार्डन वर्कर्स हैं, टी गार्डन लेबरर्स हैं, वो लोग भारत के अलग अलग प्रांत से आसाम गए टी गार्डन में काम करने के लिए, लेकिन अभी तक उन लोग का पास कोई ज़मीन नहीं है, उन लोगों का कोई नागरिक का अधिकार नहीं है, सुविधा नहीं है, उन लोगों का शिक्षा का, स्वास्थ्य का, उन लोगों का पीने का पानी का कोई भी सुविधा नहीं है, उन लोगों का पास कोई ज़मीन नहीं है। इसलिए ये मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि करीब 20% तो ये टी गार्डन लेबरर्स है आसाम में। तो हम लोग चाहते हैं ये परेशानी मिट जाए, तो हम लोग ये आइसोलेटेड नहीं रह के पूरा इंडिया से जोड़ना चाहते हैं।